देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस समय यह संख्या 20 लाख के पार पहुंच गई है। अनलॉक 3.0 में सरकार ने ज्यादातर गतिविधियों को छूट दे दी है, लेकिन स्कूल और कॉलेज अभी तक बंद है। अब सरकार स्कूल और कॉलेज खोलने पर विचार कर रही है। सरकार कह रही है कि स्विट्जरलैंड जैसे देशों के मॉडल पर स्टडी की जा रही है, जहां बच्चे कोरोना काल में भी सुरक्षित स्कूल जा रहे हैं। केंद्र स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के नेतृत्व में एक बैठक हुई थी, जिसके तहत केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए मंत्रियों का एक समूह बनाया था। इस दौरान स्कूल और कॉलेज को खोलने को लेकर चर्चा हुई थी। सूत्रों के मुताबिक अगले अनलॉक की गाइडलाइन में स्कूल एवं कॉलेज खुलने की संभावना है, जो 1 सितंबर से लागू होगी। हालांकि सरकार इसका अंतिम फैसला राज्य सरकार पर छोड़ने का विचार कर रही है। स्कूल और कॉलेज को खोलने से संबंधित किसी भी फैसले से पहले SOP तैयार की जाएगी। जुलाई में हुए एक सर्वे के मुताबिक ज्यादातर अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजने के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। राज्य सरकार का कहना है कि स्कूल न खुलने से उन बच्चों को परेशानी हो रही है जो गरीब है और जिनके पास ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए मोबाइल या लैपटॉप नहीं है। भारत सरकार के मुताबिक जिन राज्यों में मामले कम हैं, वहां की सरकार ने स्कूल खोलने को लेकर विचार विमर्श किया है। अभी के प्लान के मुताबिक स्कूलों को फेज के हिसाब से खोला जाएगा। इसमें पहले 15 दिन में 10वीं से 12वीं के छात्रों को स्कूल आने को कहा जाएगा। इसी तरह अलग अलग दिन निर्धारित कर दिए जाएंगे। जैसे कि अगर क्लास 10th में 4 सेक्शन है तो 2 सेक्शन के आधे बच्चे एक दिन आएंगे और फिर 2 सेक्शन के आधे बच्चे दूसरे दिन आएंगे। बाकी बचे हुए बच्चों के लिए भी इसी तरह से दिन निर्धारित किए जाएंगे। इसके अलावा स्कूल भी 2 शिफ्ट में चलाई जाएंगी। पहली शिफ्ट सुबह 8 से 11 बजे तक की होगी और दूसरी शिफ्ट 12 से 3 बजे तक की होगी। बीच में 1 घंटे का ब्रेक रहेगा। स्कूलों को सलाह दी जाएगी कि वो शिक्षकों का स्टाफ और छात्रों की संख्या को 30% तक ही सीमित रखें तथा बच्चों का पूरा ख्याल रखें। बैठक में चर्चा के दौरान एक ये भी बात सामने आई कि सरकार प्री प्राइमरी, प्राइमरी और छोटे बच्चों को स्कूल नहीं बुलाना चाहती, इसलिए शुरुआत में सिर्फ 10वीं से 12वीं तक के छात्रों को बुलाने का प्लान तैयार हुआ है। इसी के साथ 6वीं से 9वीं तक के बच्चों के लिए तय घंटों में स्कूल खोला जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक उन्होंने कोरोना काल में कई देशों के मॉडल का अध्ययन किया है। स्विट्जरलैंड जैसे कई देशों में बच्चे सुरक्षित तरीके से पढ़ रहे हैं, ये मॉडल भारत में भी लागू किया जा सकता है। अगर आप ये न्यूज़ फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।